हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में आप गल करेंगे कि कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट में किड़े किड़े डिपार्टमेंट होंगे, मतलब किड़े किड़े जो फीचर होंगे ने उन्होंने आप पूरी गल करेंगे कि जो भी आप क्लर्क बेस दी जो जॉब वैकेंसियां आप अप्लाई करते हैं फॉर्म फिल करते हैं उस कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट की डिमांड की गई होंगी है तो उस की होंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन अपने तो एग्जामीनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। दोस्तों सारी वीडियो आप एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, उससे पहले जो सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो तो वीडियो लाइक कर लो। तो दोस्तों सब तो पहले आप करते हैं जो कंप्यूटर प्रोफेसी टेस्ट में सब तो पहला जो पार्ट होंगे है वो टाइपिंग टेस्ट होंगे है। दोस्तों ये नॉर्मली डिमांड अनुसार 35 वर्ड पर मिनट या 35 वर्ड 2 मिनट होंगे है, जो ये सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही इसका जो अचीव वो कर सकते हो, टाइपिंग स्पीड आप इनक्रीज कर सकते हो। उस तो बाद आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। हम आप एक्सेल की गल करते हैं कि एक्सेल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो की अपन बनाना होंगे दोस्तों। तो यह जो क्वेश्चन है एक्सेल का इस तरह का अपन एक पेज दे दिता जाएगा, यह देख के अपना सेम चीज़ आप जरा पैटर्न आप बनाना होंगे है। जिमें यह शीट आप मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर दसदा, मैं ऑलरेडी यह अप्लाई कर चुका हाँ, पहला यह सारा कुछ टाइप कर चुके हैं, इस तरह का आप मैं बना लिया। तो यह आप बनाना है जे जिहड़े ये नीचे ऑप्शन दिते ने यह पढ़ पढ़ के आपां इस दे थ्रू बनाना है। जिवें इन्होंने पहला लिखा हुआ एक शीट बनाओ जिस विच 9 कॉलम होने चाहिए 7 रो। ओके दोस्तों तो मैं एवं बनाए हैं, देखो ये जो नीचे जाते हैं यह होंगे कॉलम, तो मैं ये 9 मैं बना लिया, तुम गिनती कर सकते हो। तो जिहड़े ये ऐ लंबे जाते हैं ओके दोस्तों ये होंगे रो, तो 9 कॉलम तो 7 रो का मैं ये एक बारी शीट बना ली है। इस तो बाद आप देखते हैं कि इन्होंने किया है, तो इन्होंने क्या गिव ए बॉर्डर टू स्प्रैडशीट। आप हमने जोड़ा आप डेटा हाँ अप्लाई किया इसमें बॉर्डर देना है, हम तुम्हें बॉर्डर दसागा तुम बॉर्डर किमें अप्लाई कर सकते हो। पहले आप सारा जो डेटा अपना सिलेक्ट कर लेंगे, तो सिलेक्ट करने तो बाद उपर आप इतने देख सकते हैं बॉर्डर का ऑप्शन दिता ऑल बॉर्डरस, तो इसमें आप ओपन करेंगे तो ऑल बॉर्डरस से आप क्लिक कर देंगे। हाँ देखो दोस्तों बॉर्डर आ चुका है। इस तो बाद दूजा ऑप्शन देखते अपना, इन्होंने कहते हैं फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जेडे जेडे ना मतलब कि बच्चों के ये जो टोटल नंबर है इन्होंने पूछा भी है टोटल नंबर किमें कितना। दोस्तों सिंपल या बिल्कुल सिंपल प्रोसैस है, तुम्हें मैं दसदा सिंपल जी ट्रिक थोड़ा दसदा इसका टोटल करने वास्ते। आप पहला पावे बराबर की निशानी, उस तो बाद आप लिखा इतने SUM सम, आप इतने सम पर क्लिक कर लवेंगे। ओके दोस्तों सम पे क्लिक करने बाद जिन्हें जिन्हें आप टोटल करना उन्होंने सिलेक्ट करके या ड्रैग करके अपना लै चलेंगे, तो उस तो बाद जस्ट आप इंटर कर देंगे तो टोटल इसका हो गया। इस तो बाद जो सारे का आप टोटल करना अपन कोई वो करनी मतलब सारे का खास ट्रिक यूज़ करने की जरूरत नहीं है। इस तो बाद आप जस्ट इनू क्लिक करेंगे तो जो आप टोटल किया उसमें आप ड्रैग कर देंगे नीचे, तुम देखोगे सारे का टोटल अपने आप हो जाता है। ओके दोस्तों तीजे हूँ आप आने चौथे क्वेश्चन से, कि इन्होंने चौथे क्वेश्चन से पूछा की है डा एन एक्सट्रा लैम परसेंट कॉलम ऑफ परसेंटेज, इन्होंने कहा कि एक एक्सट्रा कॉलम होर तैयार करो परसेंटेज का, तो आप हम परसेंटेज कर लेंगे। तो ये रो तो बाहर जा रहा था, आप रो तो थोड़ा जहा क्लिक करके इन एडजस्ट कर लेंगे। ओके दोस्तों हूँ परसेंटेज, तो हूँ आप ग्राफ मतलब कि जोड़ा बॉर्डर आप देना पवेगा इनू, तो आप बॉर्डर पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर आप क्लिक कर लेंगे। तो इस तो बाद इन्होंने जस्ट इंटर कर देंगे तो 78% आ गया। तो मतलब कि यह परसेंटेज से लिया वास्ते आप पूरा हाँ कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे एक बारी, तो कॉलम सिलेक्ट करने तो बाद आप इसमें उपर जनरल में जाके परसेंटेज का कॉलम बना लेंगे दोस्तों। तो हूँ ये कॉलम परसेंटेज का कॉलम बन चुका है। इस तो बाद आपां जे पहला आप परसेंटेज सिलेक्ट कर लेने तो आपां नूं गुणा पाउण दी मतलब कि पाउण दी जरूरत नहीं पैंदी, तो तुहानूं दसदा उसका भी सिंपल तरीका, जस्ट फिर आपां इन्ना पावांगे तो इंटर कर देंगे। ओके दोस्तों बस सिलेक्ट करेंगे तो बटे पावांगे तो सिलेक्ट इंटर कर देंगे, तो 78.00 चाहिए। तो इस तो बाद अगर आपां नूं सारिया का यह फॉर्मूला लाने की जरूरत नहीं है, इस तो बाद जस्ट आपां यह सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करेंगे तो सारे दे परसेंटेज अपने आप निकल जाऊ। ठीक है दोस्तों इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं कि इन्होंने की किया। हूँ आप इन्होंने कहा कि ड्रा एक्सट्रा कॉलम, एवरेज का आप एक एक्सट्रा कॉलम बनाना है,
ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਡਰ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਡਰ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਬੋਰਡਰ ਦਾ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਆਲ ਬੋਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੋਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹੀ ਸੇਮ, ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ, ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨੱਪ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, 78 ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵ ਰੈਡ ਕਲਰ ਸੈੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਏ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ 70.40 ਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਰੀ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਜੋ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਕਲਰ ਵਾਲੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡ ਕਲਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 78% ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।